गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके जिम्मेदारी ली और पोस्ट में लिखा कि जो सलमान खान का दोस्त होगा वो हमारा दुश्मन है। मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया कि सोशल मीडिया पे जो ये पोस्ट आई है अब उसकी जांच की जा रही है। बाबा सिद्दीकी का इस बीच आपको बता दें पोस्टमार्टम हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया। आज शाम ही बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फिलहाल इन सब के बावजूद सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जांच चल रही है। 15 टीमें गठित कर दी गई हैं। अलग अलग राज्यों में इस वक्त दबिश टीम की चल रही है क्योंकि तीसरा आरोपी जो कि जिसका नाम शिव कुमार है वो फरार है। इसकी उम्र करीब 18-19 साल की बताई जा रही है। हालांकि पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया इस शख्स का। उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। जो 3 हमलावर थे उसमें से 2 यूपी के थे जिसमें शिव कुमार और धर्मराज दोनों एक दूसरे को जानते थे। और गुरमैल बलजीत सिंह जो कि गिरफ्तार हुआ उसकी उम्र 23 साल बताई गई और वो हरियाणा का है। जिसने सुपारी दी उन्होंने ही इन तीनों को मिलवाया जिसके बाद इन्होंने करीब 40 दिनों तक मुंबई में रहकर रेकी में बाबा सिद्दीकी का घर उस पर नजर रही। साथ ही साथ इनका जो बेटा विधायक है जिशान उसके दफ्तर के बाहर तक रेकी करती गई और दफ्तर के बाहर ही दरअसल यहां 6 राउंड गोलियां चलाई गई कल तकरीबन रात 9:30 बजे। और ये 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। 2 गोलियां उनके पेट पर और 1 सीने में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है जिससे कुछ और तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। तीसरे की तलाश। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव कोटक हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ अख्तानिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्येश भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं सौरभ के पास। सौरभ, किस तरीके की अपडेट? फिलहाल आज ही सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अर्पिता, आज ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा और बस अब से कुछ ही घंटों में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन जो अपडेट्स इस वक्त मुंबई पुलिस के थ्रू हमको आ रहे हैं कि कई जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर आएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ की पहले तो ताज़ा तस्वीरें देखें कि पूरी तस्वीरें कैमरा पर्सन साहिल चौहान से कहूँगा कि ये पूरे रोड की तस्वीरें आपको दिखाए कि इस तरह से मुंबई पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है। मकबा हाइट्स जहाँ पर बाबा सिद्दीकी का ये घर मौजूद है और इससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर उद्धव ठाकरे, ठाकरे, जितेंद्र आवाड, संजय निरुपम, विनायक राउत और कई ऐसे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, विपक्ष के भी नेता लगातार यहां पर आ रहे हैं। और संजय निरुपम ने बस कुछ देर पहले जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो भी आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस्तीफे की मांग जो डीसीएम की जा रही है वो गलत है। और यहां पर देखेगी लगातार लोगों का आने का सिलसिला चल रहा है और अभी जो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि कोई एक और बड़ा सेलिब्रिटी अभी थोड़ी देर में यहां पर आएगा। तो देखिए बाबा सिद्दीकी के जो है ना सिर्फ पॉलिटिशियन गलियारों में लेकिन जो सेलिब्रिटीज है उनमें भी काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके से उनकी जो इफ्तार पार्टियां होती थी और जो वो इंसिडेंट तो कोई ही नहीं भूलेगा जब एक ही मंच पर सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ दिखे थे और वो बाबा सिद्दीकी थे जो उनको एक साथ लेके आए थे। और भी अन्य जो सेलिब्रिटीज है उनके बाबा सिद्दीकी कई अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बैंड्रा से वो 3 बार MLA रहे हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं, यूथ विंग के कांग्रेस यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे, यानी 48 ईयर्स का उनका पूरा पॉलिटिकल करियर रहा है। 1 साल पहले उन्होंने NCP अजीत पवार गुट में वो शामिल हुए थे। तो लगातार जो लोग हैं यहाँ पर आते जाएंगे और ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से अब हेलोजन लाइट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर देखिए स्पीकर्स भी अब यहाँ पर लग चुके हैं। तो इससे ये होने वाला है कि जो जनाजे की जो नमाज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो अंतिम जो प्रेयर्स होती है, जो अंतिम प्रेयर्स जो मौलवी करेंगे, जो धर्मगुरु है जो यहाँ पर आएंगे उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो जो जनाजे की जो नमाज होती है वो इस बार 2 बार पढ़ी जाएगी, यानी कि यहाँ पर 1 बार जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी। हमें जो बताया जा रहा है कि पूरे रास्ते पर यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। जो बाबा सिद्दीकी का जो शव है उनके पार्थिव शरीर को उस कंपाउंड में रखा जाएगा और फिर ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पर वो नमाज को पढ़ा जाएगा, फिर उनको ठीक तरीके से कंधा दिया जाएगा। देखिए पूरे जो रिचुअल्स है उसको फॉलो किया जाएगा। उनके जो शव को है, उनके पार्थिव शरीर को है, यहाँ से थोड़े दूर तक कंधे से उठाकर आगे तक ले जाया जाएगा। आगे जो टर्नर रोड है, टर्नर रोड पर वहाँ पर एक एम्बुलेंस को रखी जाएगी और वहाँ तक चल के कंधे पर लेके
जाकर बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और फिर जो हमें बताया जा रहा है कि साउथ मुंबई में एक बड़ा कब्रिस्तान है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बड़ा कब्रिस्तान है, मरीन लाइन्स में मौजूद है, और वहां पर एक बार फिर से जो आखिरी नमाज है वो पढ़ी जाएगी, उसके बाद उनको मिट्टी अदा की जाएगी, सुपुर्द खाक वहां पर किया जाएगा। तो लगातार तैयारियां चल रही है यहां पर, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर हो। कोर्ट से बहुत अहम जानकारी आ रही है अर्पिता। ठीक है, कोर्ट के बाहर से जो जानकारी वो देव कोटक हम तक पहुंचा देंगे। देव कोटक जी, बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है जो बाबा सिद्दीकी और पुलिस की ओर से है, उन्होंने 14 दिन की कस्टडी मांगी है, लेकिन एडवोकेट अग्रवाल जो कि डिफेंस में है उन्होंने कहा है कि 14 दिन की कस्टडी जस्टिफाइड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है उन पर जो लगे आरोप, उनके दोनों क्लाइंट यानी कि दोनों अक्यूज धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह दोनों जो अरेस्टेड है, उन्होंने कहा कि इसमें सिद्ध नहीं हुआ कि पूरी तरह से इन्हीं का हाथ है, तो इसलिए 14 दिन का गलत तरीके से इम्प्लीकेट करना ये बात सही नहीं है। पहले तो ये दलील ही उन्होंने इस तरीके से की, कहा कि कश्यप एक नाबालिग है, एक माइनर है, लेकिन जब उनका आधार कार्ड कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो वहाँ पर पता लगा कि वो मेजर है, एक नाबालिग नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि लगातार कि वो नाबालिग ही है उनके एडवोकेट ने, तो प्रोसिक्यूशन के लॉयर ने ये भी कहा कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी बोन का एक सैंपल लेना और उसे लैब में भेज कर उसकी एग्जैक्ट या 99% एक्यूरेसी की जो एज है उसको डिटरमाइन करने का, उसको निकालने की प्रतिक्रिया जो है कहीं ना कहीं उससे पता चल पाएगा। इसीलिए एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि अगर यदि आप ये करते हैं बोन ऑसिफिकेशन तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है और हम पूरी तरह से अनुमति दे रहे हैं इसके लिए। और उन्होंने कहा कि अगर इसकी एग्जैक्ट एज जाननी भी हो तो बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट भी लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एडवोकेट अग्रवाल ने कहा लेकिन कि मेरे क्लाइंट जो है उनका कोई रोल नहीं है इसमें, जहां पर प्रोसिक्यूशन की लगातार दलीलें रही है कि और दो लोग अभी भी फरार है और 28 जीवित कारतूस यानी कि लाइव राउंड उन पे पाए गए थे और किसी और का जीवन हमले में ना हो, अंडर डेंजर ना हो, ये बड़ा थ्रेट का मामला है, इसीलिए एडिशनल कस्टडी भी मांगी है। ठीक है, हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ चुके हैं, बहराइच में हैं जहां से दो ये जो बताए जा रहे हैं आरोपी वो वहां से हैं, उनका रुख भी करेंगे। लेकिन दिवेश जरा मैं आपसे समझना चाह रही हूं क्योंकि एक शुभु लोंकर उसने पोस्ट डाली, और क्या ये शुभम लोंकर है जिसे अकोला में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया, तब उसने बताया था कि अनमोल विष्णु से उसकी बातचीत होती है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मुंबई पुलिस को मिली है उसमें दोनों आरोपी धर्मराज कश्यप और जो गुरमेल सिंह है इनको इंटरोगेट किया गया कल रात, और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि यहाँ पर ये यूनिट 9 मुंबई क्राइम ब्रांच है, यहाँ पर भी उनसे इंटरोगेशन की गई। यहाँ पर इंटरोगेशन करने के बाद शुरुआत में उन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। मुंबई पुलिस अब भी इस इंफॉर्मेशन को खंगाल रही है, इसके बारे में पुष्टि करना चाह रही है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं या नहीं। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है पर उस पर बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली बाबा सिद्दीकी पर हुए अटैक की, पर उसमें मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया कि इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी वो चेक कर रहे हैं, ये सच्चा पोस्ट है या किसी ने प्रैंक किया है ये चेक कर रहे हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कड़ी है, शिव कुमार गौतम। शिव कुमार जो है ये भी बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और शिव कुमार ही वो व्यक्ति है जिसने धर्मराज को अपने गांव से बुलाया, पुणे में जहां काम करता था वहां पर काम पर लगवाया, वही मास्टरमाइंड जो है इस पूरे मामले का उसके टच में था। शिव कुमार इंस्ट्रक्शंस लेता था और वो गुरमेल सिंह और धर्मराज को बताता था क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, तो शिव कुमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए 15 टीमें गठित की गई हैं ताकि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।